కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రంలో ఈ రోజు మీడియాతో మాట్లాడిన మహమ్మద్ అఫ్జల్, ఉద్యమం నుండి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేసిన మా కరీంనగర్ ముద్దుబిడ్డ, కేసీఆర్ అడుగుజాడల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎలక్షన్లో ఉన్నా నేనే ముందుంటానని కరీంనగర్ నుండి బయలుదేరి వెళ్ళే మహమ్మద్ అఫ్జల్, కరోనా మహమ్మారి నుండి ప్రజలు సురక్షితంగా బయటపడాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అని మహమ్మద్ అఫ్జల్ మీడియాతో మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు మరియు కరీంనగర్ ప్రజలు ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో ఒకరికి ఒకరు సహాయంగా చేసుకోవాలని, వారు సురక్షితంగా ఉంటూ ఇతరులకు సహాయపడాలని కోరారు. హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ కొరత మరియు బెడ్స్ కొరత ఉన్నదని మీడియా ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోయి వాటిని కూడా సమకూర్చే ప్రయత్నం చేస్తామని తెలిపారు. మహమ్మారి దూసరకి మదత్ దూర భాగ రే कोविड के नाम से दूर भाग रहे हैं. अगर किसी को करोना हुआ तो लोग करीब भी नहीं आ रहे, और अगर किसी का इंतकाल हो गया तो भी दूर से देख के निकल जा रहे. तो इस दौर में, इस नाजुक दौर में आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पब्लिक से पहले तो ये अपील करना चाह रहा हूँ, खुद अपनी हिफाजत करें, खुद एहतियात में रहें, इंशाल्लाह अपनों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, फिर पड़ोसी का ख्याल रखें, फिर अपने मोहल्ले में, जान पहचान में, रिश्तेदार में जिसका भी आप, उनको भी एहतियात करें. रही बात डरने की, सही बात है, आजकल दौर ऐसा हो गया, भाई को आए तो भाई देखने जाने के लिए डर रहे हैं, पड़ोसी को आ गया तो पड़ोसी निकल के मुलाकात नहीं कर रहे हैं. ये कोरोना से ज़्यादा आदमियों में डर बैठ गया है. मौत और ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो खैर लिखी हुई है, लेकिन हम एहतियात करना और जितना हो सके अपने घर में बाज़ वालों को, जिसको भी हमारी ज़रूरत पड़ी, एनी टाइम उनको अवेलेबल रहना. जितना अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि आप जाके उनसे सब चीज़, यानी चूँकि जैसा करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके उनको जो भी चीज़ चाहिए सहूलत की पहुँचाना. हम डरना नहीं चाहिए, जैसे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर हो या खाने की परेशानी हो, कुछ दवाई चाहिए या डॉक्टर के बारे में चाहिए, या उनको जाने आने प्रॉब्लम हो, आप आपकी कार में पीछे भी बिठा के ले जा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस रख के हर चीज़ से आप उसकी मदद करिए. आप मदद करने से क्या है, आगे वाले को हिम्मत आती है. इस्लाम में भी लिखा हुआ है, खुद पहले घर में, फिर पड़ोसी का हक़ बनता है उसकी मदद करो, फिर आपके रिश्तेदार की, दोस्त अहबाब की मदद करो. तो हमारे इस्लाम में भी ये लिखा हुआ है कि हम हर किसी की जहाँ तक हो सके मदद करना चाहिए. इंशाल्लाह जैसे भी आपके किसी भी दोस्त पड़ोस में कुछ भी परेशानी आए, आप बिना डरे झिझक के, आप डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करते हुए आप सबकी मदद कीजिए. अल्लाह ताला बचाने वाला है, अल्लाह हयात देने वाला है. इंशाल्लाह किसी को भी, किसको पता आज हमारा वक्त कल किसी और का वक्त, किसी की भी मदद करनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं कि कोई पैसे वाला है उसको नहीं आया, कोई गरीब है उसको आया, अमीर गरीब पैसा कुछ काम नहीं आता, बस काम आती हैं तो दुआएं और सबकी मोहब्बत खुलूस. क्योंकि कोई खाली हाथ आया है, हर कोई खाली हाथ जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा. इंशाल्लाह सबसे एक ही अपील है, इस कोविड के महामारी में आप लोग से जितना हो सके आप लोग अपने आस पास पड़ोस में कुछ भी हुआ तो मदद कीजिए. जैसे कि वाकया मेरा ही बताता हूँ, मेरे दोस्त रिश्तेदार में कई लोग को प्रॉब्लम हुआ. एक बार तो जनाजे के लिए मैं कब्रिस्तान भी गया था, कई बार गया, लेकिन उसमें से एक वाकया ऐसा है, उसी वक्त किसी कोविड का पेशेंट आया, उनके पास बेचारों के पास कोई मैयत पकड़ने के लिए कोई नहीं थे, फिर हमारे मौत में मैयत में से कोई आदमी जो जनाजे गए थे कब्रिस्तान, उसमें से कुछ लोग जाके उनकी मदद करें. उतना भी वो डरने की ज़रूरत नहीं है. आपको पीपी किट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मस्जिद अफजल बियाबानी में काफ़ी हमारे मुसलमान लोग, कई नौजवान, कई लोग मदद कर रहे हैं. वैसे आप भी आगे बढ़ के कीजिए, हर कोई आगे बढ़ के करेगा कुछ आगे बढ़ेंगे. आज उसको हमको क्या बोले तो कल हमारे को है तो भी वो बता हमको क्या. इसीलिए आप किसी की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करता, और किसी से कुछ उम्मीद मत रखिए. बस जितना हो सके आप एक दूसरे की मदद कीजिए और अपनी हिफाजत करिए. सबसे यही जाता हूँ और सबसे दुआओं की गुजारिश. अल्लाह हाफिज़. अफजल साहब, कल आप गाड़ी के ऊपर एक सिलेंडर लेके जा रहे थे, किसके लिए लेके जा रहे थे? वो हमारे पास, एक नाम नहीं बताना चाहूँगा, हमारे मोहल्ले में हमारे पास के और फैमिली फ्रेंड भी कह सकते हैं, वो लोग बेचारे ख़ास लोग हैं, उनके घर में जेंट्स नहीं हैं, तो वो लोग बेचारे दोपहर के टाइम पे फ़ोन करें कि उनके हस्बैंड को सांस की प्रॉब्लम है. वो बेचारे खुद का धंधा करते हैं, नाम बताता हूँ, पहचानते सब लोग, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ,
क्योंकि हमारे को वो है, तो इसीलिए वो बेचारे बोले कि अर्जेंटली हम उनको सिलेंडर ज़रूरत है, ऑक्सीजन है। सिलेंडर उनके पास रखा हुआ था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, तो बोले कि ऑक्सीजन चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा। फिर अचानक से मैं बोला ठीक है, अब वो टाइम पे ऑटो वगैरह ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। मैं बोला चलो ठीक है, हल्के पड़ोसी की शकील बोल के दोस्त है उसको गाड़ी मंगा लेंगे, उनके साथ हम लोग। ऑक्सीजन कहाँ पर मिलता पता नहीं, MRO को फ़ोन करा हमारे, उनको करा तो उन्होंने बोले रूलर के कि वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे अवेलेबल रहे। फिर वहाँ पे वो लोग बेचारे फ़ोन करके बोले कि इमीडिएट भर के दो। तकरीबन 20 से 30 मिनट कुछ लगे उसको फिल करने के लिए, फिर फिल करके गाड़ी पे डाल के लेकर के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत खुश हुए और बहुत सारी दुआएं दिए। और एक चीज़ ये है साहब, आज के इस पैंडेमिक दौर में ऑक्सीजन और बेड्स दोनों चीज़ की गवर्नमेंट की तरफ से किल्लत है बोल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बेड्स फुलफिल करने की। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हो रही, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट्स जो यहाँ पे करीमनगर आ जा रहे हैं तो यहाँ के पेशेंट्स के लिए ये नागवार हो जा रहा, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये बात सही है, अलहमदिल्ला करीमनगर हेडक्वार्टर में सरकार की तरफ से, हम लोग के मंत्री की तरफ से, अलहमदिल्ला हम लोग तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि आप बोले, सवाल में ही आपका जवाब है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से नए बनी हुई, जैसे कि दूसरे गांवों से शहरों से जो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने की वजह से लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एनी टाइम इमरजेंसी में हमारे लोकल मिनिस्टर साहब हो, हमारे MP साहब हो, हमारे अमजद भाई, इवन सब लोग क्या है, फ़ोन पे अवेलेबल रहे कि जिसको जहाँ पे भी कुछ भी ज़रूरत है वो लोग जितना हो सके मदद कर रहे हैं, प्राइवेट में हो प्राइवेट। तो मेरा सवाल ये है साहब, जिस तरीके से करीमनगर हेडक्वार्टर में जैसी सहूलतें हैं, जिस तरह सहूलतें मुहैया करा रहे हैं, उसी तरह दूसरे जगह जगतियाल, कोरुटला, मेटपल्ली, निज़ामबाद, निर्मल तक आज भरा हुआ है कोविड, तो वहाँ पे ये इंतजाम क्यों नहीं कर सक रही हुकूमत? वो इस वजह से है, वो नए डिस्ट्रिक्ट है, नया ज़िला है, पुराना एक गांव था, उस वजह से जब गांव रहता उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ पे ज़रूरतें थी। अब वो ज़िला बनने की वजह से वो बड़ा हेडक्वार्टर की जैसे हो गया, उसके आसपास के गांवों से आदमियाँ वहाँ पे आ रहे, तो वहाँ पे लोकल में बेड्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से वहाँ के आदमी यहाँ पे आ रहे। उसको टाइम लगता, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा। अभी अचानक से करोना किसी को बोल के नहीं आया ना, अचानक से आ गया। इसके अलावा डॉक्टर्स भी कुछ उतने काबिल नहीं है वहाँ, उन जगहों पर बोल के बोल रहे जितने करीमनगर में काबिल है डॉक्टर, उतने डॉक्टर्स वहाँ काबिल नहीं है बोल के खुद पेशेंट्स के साथ जो अटेंडर्स आए वो लोगों का कहना है। इस पर आप क्या बोलते हैं? जी जी, लेकिन ये बात आप हुकूमत तक लेके जाएंगे? इंशाल्लाह हम अपील करेंगे हमारी हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत हमारी है, कोई भी पार्टी रहो, और स्टेट में हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट है, चाहे वो BJP रहो, MIM रहो, कांग्रेस रहो, बहुजन समाज पार्टी रहो, हुकूमत से हमारे TRS से ही अपील करना पड़ता। तो हम खुद हमारे TRS पार्टी के हैं, इंशाल्लाह हम मिनिस्टर और KCR साहब तक भी ये बात पहुंचाएंगे और उनसे अपील करेंगे। अभी 50 हो तो और एक 50 बेड एक्स्ट्रा चाहिए, और जैसे कि अभी ऑक्सीजन 50 सिलेंडर चाहिए अभी अवेलेबल है, तो और एक 100-150 की हम लोगों के लिए अवेलेबिलिटी करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो थोड़े बहुत आए हैं, कल परसों में कुछ ही दिन, 2 दिन हुआ आगे, और इंशाल्लाह थोड़े के लिए अपील भी करे हैं, बोले कि कल संडे या मंडे तक इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, अल्लाह चाहता।